भिलाई में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शिवांग साहू के नेतृत्व में भिलाई सूर्यमाल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं एनएसयूआई ने कहा कि अब की बार जुमलेबाजी यहां नहीं चल सकती। आगामी चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः पिछली जीत के आंकड़े को पार करेगी। इस मौके पर एनएसयूआई के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया, जिला महासचिव बॉबी गिल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रायपुर में आगमन हुआ, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आगमन हुआ, पर आज उन्होंने फिर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल किया। आज उनको फिर से चला, क्योंकि पूर्व में भी जो वादे उनके द्वारा किए गए थे वह बिल्कुल ही पूरे नहीं गए, और आज फिर से नए वादे, नई चीज़ें उनके द्वारा आज फिर से बोल के गई गई है। याद किया जाए तो उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख हर के खाते में काला धन वापस, नोटबंदी, उन्होंने जो जो बात की उसमें तो एक भी बातों में वह सही सिद्ध नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज एनएसयूआई के साथियों द्वारा आज उनका पुतला दहन किया गया। वो मांग की गई कि मोदी जी चुनाव आते ही उनको छत्तीसगढ़ का ख्याल आता है, ऐसे पिछले 4 वर्षों में उनको छत्तीसगढ़ का ख्याल क्यों नहीं आएगा। आप देखेंगे पिछले जब चुनाव था तब भी मोदी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में था, आज फिर जब 6 महीने में चुनाव है तब छत्तीसगढ़ में मोदी जी आ रहे हैं और नए नए वादे करके छत्तीसगढ़ की जनता को छल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों व नरेंद्र मोदी जी का स्वयं छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, उसी के उपलक्ष्य में आज एनएसयूआई उनका कड़ी निंदा करते हुए विरोध करती है, जो कि यह पूरा छत्तीसगढ़ का जो 4 साल तक जो इन लोगों ने नहीं आया, अभी चुनाव के टाइम आगामी विधानसभा चुनाव आते हुए ही क्यों अभी